सो आज हम डिफरेंस करेंगे मेरे आईफोन 12 मिनी की पिक्चर क्वालिटी और सोनी अल्फा A7 III। सो जो हमारे पास अल्फा A7 III है, इसकी कॉस्ट अराउंड 1,60,000 है। अभी आप मार्केट में लेने जाओगे, हमारे पास लेंस है 2870 और जो सेकंड डिवाइस है वो है आईफोन 12 मिनी, जिसकी कॉस्ट अराउंड 60,000 है अगर आप मार्केट में लेने जाओगे अभी। तो हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कि देखेंगे हम किसकी इमेज क्वालिटी बेटर है या फिर क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, तो स्पॉट द डिफरेंस हम करेंगे। सो अभी मैंने जो अपनी अपर्चर की सेटिंग रखी हुई है वो F11 रखी हुई है, ताकि ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ना आए, ताकि इमेज क्वालिटी मैच कर सके आईफोन के साथ, क्योंकि इसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आती है और इसमें इतनी नहीं आती है। सो दोनों में ग्रेटर आएगी, तो मैं आपको इमेजेस शो करता हूं और आप गैस कीजिए कि कौन सी इमेजेस किस डिवाइस से क्लिक करी गई है। उसके बाद हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि कलर सेंस, वाइट बैलेंस, इमेज क्वालिटी, सेंसर किसका ज़्यादा बेटर है। तो जो अभी आपने पिक्चर्स देखी वो आईफोन और सोनी से थी, सो आपने क्या डिसाइड किया कि कौन सी वाली साइड आईफोन से थी और कौन सी सोनी से थी? सो जो लेफ्ट साइड वाली थी वो आईफोन से नहीं थी, वो सोनी से थी, और जो राइट साइड वाली थी वो सारी की सारी मेरे आईफोन 12 मिनी से थी। अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट जो हमारा सोनी है A7 III, उसकी काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी है एज कंपेरिजन टू आईफोन। जब आप जूम इन कर रहे हैं तो जो आईफोन है उसके थोड़े पिक्सलेट फट रहे हैं, ठीक है, उसके पिक्सल फट रहे हैं, बट ऐसा सोनी में नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो क्योंकि प्राइस का भी डिफरेंस है, ठीक है, बट एक हद तक देखा जाए तो आईफोन ने भी काफ़ी उसे टक्कर दिया है। देखिए सेंसर का भी बहुत फर्क होता है, आईफोन फ़ोन है तो उसका सेंसर बहुत छोटा है, बट एक जो कैमरा है उसका सेंसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो इसकी वजह से भी जो सोनी है उसने अच्छा वर्क दिया है, क्योंकि देखिए ना आप खुद, सोनी एक स्पेशलाइज्ड है, उसका काम ही सिर्फ फ़ोटो खींचना है, बट हमारा जो आईफोन होता है उससे आप फ़ोटो भी खींचते हो, कॉल भी करते हो, स्टिल उसकी जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगी, बट सोनी जो था वो बेटर था इमेज क्वालिटी में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कलर सेंस की। अगर हम देखें सोनी का कलर सेंस तो वो मुझे काफ़ी फेड लगा, ठीक है, क्योंकि आप बाद में उसको पोस्ट प्रोसेस में कर सकते हैं, बट जो मुझे कलर लगे आईफोन के वो ओवर सैचुरेट भी नहीं लगे मुझे, और एक कलर सेंस लगा अच्छा, जिसको आपको पोस्ट प्रोसेस में भी अपना टाइम देने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पिक्चर खींचिए और आप अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। तो कलर सेंस में मेरी तरफ से मैं आईफोन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर आप कैमरे से लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फिर आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, कलर ग्रेड करना पड़ेगा, मतलब वो वाली चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड जो पोर्ट्रेट्स में आई है। बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है शैलो, दूसरी होती है ग्रेटर। मैं आपको समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। शैलो वो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है जिसमें बैकग्राउंड बहुत ब्लर होता है, और ग्रेटर वो होती है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है। तो बेसिकली ये दो तरीके की डेप्थ ऑफ फील्ड होती हैं। अगर डेप्थ ऑफ फील्ड की हम बात करें पोर्ट्रेट्स के अंदर बेसिकली, तो सोनी है उसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छा था, और जो आईफोन ने दिया है उसका डेप्थ ऑफ फील्ड भी मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत सारे ऐसे फ़ोन देखता हूं जिसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नकली लगता है, मतलब इतना जेन्युइन नहीं लगता, रियल नहीं लगता DSLR या किसी मिररलेस कैमरे की तरह, बट आईफोन का अच्छा था काफ़ी, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँगा दोनों को तो इसमें मैं इक्वल मार्क्स ही दूंगा दोनों को, कि दोनों ने काफ़ी अच्छा डेप्थ दिया है। अगर हम डायनेमिक रेंज की बात करें तो ऑब्वियसली जो सोनी है वो काफ़ी अच्छा है डायनेमिक रेंज में, क्योंकि भाई एक फुल फ्रेम कैमरा है, और अगर हम आईफोन मिनी की बात करें तो पूरा प्राइस हाफ पड़ जाता है, और प्राइस अगर हाफ के हिसाब से बात करी जाए तो डायनेमिक रेंज जो है वो सोनी की काफ़ी अच्छी थी एज़ कंपेरिजन टू आईफोन मिनी, बट स्टिल इस प्राइस में अगर इस तरीके की डायनेमिक रेंज मिलती है, स्टिल मैं बोलूँगा कि आईफोन ने काफ़ी टक्कर दिया है सोनी को। लेकिन जो बेटर था ऑब्वियसली वो सोनी था, क्योंकि सोनी में आपके पास जब आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं या वीडियो क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं, आप फोटोशॉप में जाके भी या प्रीमियर प्रो में जाके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं लेवल्स को, कलर कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, बट उतना आपके पास वर्सेटाइल आपके आईफोन में नहीं है। उसमें वो क्या होता है, इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन होने लगती है, ख़राब होने लगती है, कलर सेंस ख़राब होने लगता है, तो वो बहुत गंदा सा लगता है। अगर आप क्रॉप करते हैं सोनी की वीडियो को या फिर इमेज को तो उस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एज़ कम्पेरिजन टू आप अगर क्रॉप करते हैं आईफोन मिनी की फोटोग्राफ को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो पिक्सल जो है वो पिक्सलेट होने लगेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि जो डायनेमिक रेंज है वो सोनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये था कुछ डिफरेंस। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, देखो कैमरा अपनी जगह है और आईफोन अपनी जगह है, दोनों ही अपने तरीके से बेटर हैं,
क्योंकि देखो प्राइस का भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, और एक कैमरा है वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ में, फोटोग्राफ क्लिक करने में, वीडियो बनाने में, बट आईफोन ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे काम करता है। सो दोनों का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर मैं बोलूँ कि दोनों ही वर्थ इट है, अगर आप एक कैमरे पर जाते हैं तो वो भी वर्थ इट है, और अगर आपका बजट एक आईफोन का है, आईफोन मिनी का है, वो भी वर्थ इट है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को काफ़ी टक्कर देते हैं, और दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। तो अभी मेरे साथ हैं अर्पित भाई। अर्पित भाई बहुत अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं और फैशन फोटोग्राफर हैं, और बहुत टाइम से आईफोन यूज़र भी हैं और कैमरा भी यूज़ करते हैं। तो अराउंड 8-9 साल हो गए भैया को आईफोन यूज़ करते हुए। तो मैं भैया आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इतना टाइम हो गया आपको यूज़ करते हुए, आईफोन और कैमरा दोनों आप यूज़ करते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आईफोन और कैमरे के साथ, कि हाँ दोनों के प्राइस डिफरेंसेस में है, इमेज क्वालिटी है, डायनेमिक रेंज में बात करी जाए तो? ये देखो एनी टाइम कैमरा तो इक्वली गुड है, मतलब कि मतलब बेटर है, बेटर क्या कहेंगे कि बढ़िया है फ़ोन के कंपैरिजन, बट फ़ोन के कैमराज आज के लिए अगर आईफोन के कैमरे की बात करें तो इट इज़ इक्वली गुड। और मैं 9 साल से कैमरा यूज़ आईफोन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, और उसके मैंने पिक्चर्स निकाल के प्रिंट भी किए हैं। जो मुझे डिफरेंस लगा कैमरा और उसमें, वो डेप्थ ऑफ फील्ड का रहा। ओके, डेप्थ ऑफ फील्ड, हाँ, अगर आपको शैलो चाहिए तो, हाँ, अदरवाइज अगर आपको स्ट्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और भी चीज़ों को लेके कह लो कि मतलब तुम्हें डिफरेंस केवल इसमें लगेगा कि हाँ फ़ोन का कैमरा में थोड़ा सा डेप्थ अगर तुम्हें चाहने तो वैसे तुम्हें डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी चाहिए तो तुम कैमरा में तुम शिफ्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं, क्योंकि प्रिंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो शार्पनेस से लेके सारी चीज़ें लेके इमेज उसकी अच्छी है, और मैंने कॉलेज में सबमिशन वगैरह भी किए हैं उन पिक्चर्स को लेके, मैंने प्रिंट निकाले काफ़ी, तो जब मेरे पास कैमरा नहीं होता था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार फ़ोन का फोटो तो मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। वो इक्वली जिन्होंने कैमरे से फ़ोटो ली थी और मैंने आईफोन से ली थी, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला उसका। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।